साल बीत जाता है और माला माला में नए वसंत की शुरुआत होती है। 20 महीने की ये बच्ची अब युवा मादा में बदल चुकी है और माँ बेटी के बीच तनाव बढ़ने लगा है। जल्दी ही दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हो जाएंगे। तेंदुए के लिए बदलते मौसम की तरह ये बदलाव भी एक कठोर सत्य है। कभी जहां दोनों में लगाव था, आज वहां उदासीनता और आक्रामकता है। ये दुखद पल है, लेकिन इससे बचा भी नहीं जा सकता। मां अपनी बेटी को दुनिया में अकेले भटकने के लिए मजबूर कर देती है। युवा मादा अब बिल्कुल अकेली है। बरसाती मौसम इस दुखद परिवर्तन की ही झलक देता है। तेंदुए, वार्थॉग, ज़ेब्रा और लकड़बग्घे की नई पीढ़ी को अंतहीन मुश्किलों का सामना करना है। सवाना में हर समय और रोजाना भूख का सामना करना पड़ेगा। अकेले शिकार की पहली परीक्षा बड़ी आसानी से शुरू हो जाती है, लेकिन शिकार जितना आसान दिखाई देता है उतना सहज है नहीं। शिकार के लिए हैमर कॉक का चुनाव करना ही गलत रहा। और कछुआ धीरे जरूर चलता होगा, पर उसे खाना आसान हो ऐसा नहीं। आखिर इसे खाया कैसे जाए? अब दांत कहां गड़ाए जाएं? नए शिकारी को असल में अपने जैसा ही युवा इम्पाला शिकार के रूप में चाहिए। उसने ऐसे ही शिकार का तो प्रशिक्षण लिया है। घात तो वो बड़ी अच्छी तरह लगाती है, पर एक चीज भूल गई है, पेड़ पर बैठी चहकती हुई गिलहरी। लगता है इम्पाला भागते हुए उसका मजाक उड़ा रहे हैं। भूखे रहकर ही वो जिंदगी के जरूरी सबक सीखेगी। लगता है अनुभवहीन मादा तेंदुए को अब आसपास हर चीज बड़ी और खतरनाक लगती है। आज शाम बिल में वापस लौटने पर युवा वार्थॉग्स को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उनकी मां उन्हें साफ साफ ये इशारा कर रही है कि अब उनके घर छोड़ने का समय आ गया है। लेकिन अकेले रहना वाकई बड़ा मुश्किल काम है।
तेंदुए की तरह वॉर्टहॉग भी अब अकेला है। रात के लिए उसे सुरक्षित बसेरे की तलाश करनी है, पर सभी जगह भरी हुई हैं। समय भी हाथ से निकला जा रहा है। वॉर्टहॉग और तेंदुए साथ ही साथ बड़े हुए, मगर दोनों ने हमेशा ही एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी। मगर आज की रात वो दूरी कम होती नजर आ रही है। और अचानक मादा तेंदुआ वॉर्टहॉग पर हमला कर देती है। तभी पासा पलटा, मादा तेंदुए पर लकड़बग्घे का हमला। मादा तेंदुआ पूरी शक्ति के साथ लकड़बग्घे के हमले का जवाब देती है। और उधर एक खाली बिल वॉर्टहॉग को अचानक सुरक्षा का मौका देता है। युवा मादा तेंदुए के मुंह वॉर्टहॉग का खून लग चुका है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। जहां तक लकड़बग्घे का सवाल है, वो तो पीछा छोड़ता ही नहीं, ये उसके स्वभाव में है। तो रात भर तेंदुआ, लकड़बग्घा और वॉर्टहॉग एक दूसरे को तोलते हुए बिता देते हैं। इस झड़प के निशान युवा तेंदुए पर भी पड़े हैं। नीचे वॉर्टहॉग भी डरा हुआ है। सभी के लिए रात बड़ी कठिन रही है। लकड़बग्घे के साथ साथ ये दोनों भी कम से कम इस बात पर खुश हो सकते हैं कि ये रात भर जिंदा बच गए। वॉर्टहॉग काफी पिटा, काफी जख्मी भी हुआ, लेकिन अंत में जिंदा बच ही निकला। पिछली पीढ़ियों की तरह हर नई पीढ़ी को भी सवाना में जिंदा रहने के लिए अपनी काबिलियत का परिचय देना पड़ा। समय बीतने के साथ साथ मादा तेंदुआ बड़ी और शक्तिशाली हो जाती है, फिर भी एक लक्ष्य से वो अभी भी चूक रही है। वो अभी तक वयस्क इम्पाला को नहीं मार पाई है, वो हमेशा उसको चकमा दे जाते हैं। इम्पाला के बीच में ही वॉर्टहॉग और उसके साथी हैं। वॉर्टहॉग इम्पाला को अपने परस्पर दुश्मन से बचने के लिए पूर्व चेतावनी की तरह इस्तेमाल करते हैं। मादा तेंदुआ करीब आ चुकी है और इस बार किसी को पता नहीं लगा। इम्पाला खतरे का एहसास तो करते हैं, पर वो किधर है ये उनकी समझ में नहीं आता। मादा तेंदुआ वॉर्टहॉग को निशाना बनाती है। एक बार फिर वो कुछ गज की दूरी पर है। आ, 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 आ,
इम्पाला घबरा कर भागते हैं। लेकिन इस बार मादा के हाथ सबसे बड़ा शिकार लगा है, एक वयस्क नर इम्पाला। पर क्या वो उसे संभाल पाएगी? कामयाबी। इम्पाला की मौत वॉर्थहॉग के लिए जीवन दान साबित होती है। ये मादा तेंदुए का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज वो वाकई शिकारी की तरह उभरी है। समय बीतने के साथ ही वो ऐसे कई इम्पाला पेड़ के ऊपर तक घसीट कर लाएगी। ऐसे में साथ साथ दो जाने पहचाने दुश्मन भी आधमकते हैं, लेकिन अब उसने इनसे निपटना सीख लिया है। लकड़बग्घे एक दूसरे पर ही अपनी खींच उतारते हैं। शिकारी और शिकार दोनों साथ साथ, दोनों ने अपनी तरह से दुनिया में रहना सीख लिया है। इस हुनर का दोनों को एक ही फायदा है, वो ये कि अफ्रीकी सवाना में दोनों की ही पीढ़ियां फलती फूलती रहेंगी। का वश नहीं।